Good morning, students. How are you all? I hope all of you fine. So, beta, it is grammar lecture, and what we have studied today, it's compound noun. We are already studying about compound noun, but read the following. Actually, compound nouns are multi-words. What are compound nouns? They are multi-words, mean more than one. Here, I am giving you an example, like haircut or grandmother, etc. These are examples of compound noun. Now let's discuss something more rather than compound noun. Now we will discuss some rules how to change singular form of some noun to plural one. So let's discuss case one. What you do beta in that case? By adding s at the end. हम सिंपल s जो है उस नाउन के एंड में एड कर देते हैं. लाइक जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे फ्रॉम मैन आवर टू मैन आवर्स. इट्स फर्स्ट केस इन विच व्हाट यू डू simply add s at the end, like this, from man hour to man hours. Now look at case number two. What you do in case number two beta? Simple, by adding s at the end of head noun. What in second case beta? By adding s at the end of head noun. Ab head noun kya hota hai? I am going to explain it. Like we have example, son in law. Right? This is head noun. The first word is head noun. So according to rule, we have to add s at the end of head noun. So it will change into son in law. इसमें हम क्या करेंगे? S add करेंगे, but at the end of head noun. जैसे कि सन इन लॉ हमारा चेंज हो जाएगा सन्स इन लॉ में, और हेड नाउन क्या होता है? जो हमारा पहला वर्ड होता है. वी हैव टू मोर केस एंड वी हैव आल्सो स्टडीड इट. What we have to do in case number three? By simple, by adding s, we have to add s in that case to head noun with preposition. One better with preposition. Like here is the example. Runner up. We have to add s to head noun with preposition. So we will add s here. Runners up. Now look at case number four beta. What we do in case number four?
by making plural of both words. इसमें हम दोनों वर्ड्स को प्लूरल बना देंगे. कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं. लाइक इट्स वुमेन आवर एंड व्हेन वी चेंज इट इट बिकम्स वुमेन आवर्स. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज रूल्स अगेन बेटे, सो लिसन मी केयरफुली. हमारे पास चार केसेस हैं जिन्हें हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में. सबसे पहले केस में हम एस ऐड करते हैं एट द एंड. सिंपली हम एस ऐड कर देते हैं एट द एंड. मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जैसे हमारे पास है मैन आवर. जब हम आवर के एंड में एस करेंगे तो ये मैन आवर से मैन आवर्स हो जाएगा. सेकंड एग्जांपल मैंने दी थी कि हम सेकंड जो केस था वो इस तरह से है कि हम एस ऐड करते हैं लेकिन हेड नाउन के साथ. किसके साथ? हेड नाउन के साथ. मैंने एग्जांपल दी थी सन इन लॉ को हम कन्वर्ट किस में करते हैं? सन्स इन लॉ में. थर्ड हमारे पास केस है उसमें हम कैसे बनाते हैं? एस हम ऐड करते हैं लेकिन हेड नाउन के साथ, जिसके साथ हमारा प्रेपोजिशन आ रहा है. यहाँ पे हमारे पास रनर अप है, ये हमारा प्रेपोजिशन आ गया, ये हमारा हेड नाउन जिसके साथ हमने एस ऐड किया. रनर अप से हम रनर्स अप में कन्वर्ट हो गए. देन नंबर फोर. अब नंबर फोर में हम दोनों वर्ड्स के भी प्लूरल यूज कर लेते हैं. लाइक जैसे हमारे पास वुमेन आवर और इसे हमने वुमेन आवर्स में चेंज कर दिया. बेटे दीज आल एग्जांपल्स, दीज आल केसेस आर ऑन योर बुक पेज नंबर फोर. यू हैव टू स्टडी इट एंड फर्दर ओपन योर बुक पेज नंबर फोर. ओपन योर बुक पेज नंबर फोर. वी हैव टू स्टडी दीज एग्जांपल्स आल्सो बेटा. आई एम गोइंग टू रीड इट. Exception, nouns always singular. There are some nouns which always singular bete, and there some examples are furniture, equipment, mill, jewelry, homework. Then there are some nouns that always plural, and these are jeans, boots, scissors, clothes, and then there are nouns with the same singular and plural forms. Kuch nouns aise hote hain jinki singular bhi wahi hoti hai, plural bhi wahi hoti hai. Like हमारे पास क्राफ्ट, हेयर, फिश, एजेंडा. देन नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज. सिंगुलर होते हैं लेकिन हम उन्हें एज अ प्लूरल यूज करते हैं. जैसे हमारे पास कैटल, पुलिस, कैवलरी, पीपल, जेंट्री एंड देन लास्ट वन नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर यूज. यानी कि नाउन हमारे पास प्लूरल होते हैं लेकिन हम उन्हें एज अ सिंगुलर यूज करते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास मैथमेटिक्स हो गई, use of it, physics, mathematics, like this thing also. So, bete, what you have to do as your homework, there is activity D at the end of page number 4. You just have to do this activity. Activity D is your homework for today. Take care, all of you. Love.